नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। दुनिया भर के बिजनेसमैन भारत में व्यापार करने के लिए डरते थे और कहते थे कि भारत में बिजनेस के लिए प्रशासनिक ढांचा ठीक नहीं, और यहां पर आदेश एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय सालों साल घूमता रहता है, और ऊपर से अधिकारियों की बेरुखी से काम जल्दी और ठीक तरह से नहीं होता है, और इसके लिए बिजनेस करने वाले लोग लाल फीताशाही को जिम्मेदार मानते थे। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद भारत में बिजनेस करना आसान हुआ है, और भारत से दुनिया भर के बिजनेसमैन प्रभावित भी हुए हैं, और ये कमाल किया है प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने। आज हम आपको बताएंगे कि भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतनी शानदार रैंकिंग लाई कैसे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो कहा था कि भारत को हम एक बेहतर स्थिति में लाएंगे, और दुनिया भर के व्यापारियों से बातचीत में कहा कि आप भारत में व्यापार करें, हम आपको बेहतर सुविधाएं देंगे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी मेहनत और कानूनों में बदलाव व्यापार के लिए कानूनी प्रक्रियाओं में कागजी कार्रवाइयों में कमी से बिजनेस का माहौल बना, और आज दुनिया भर के बिजनेसमैन भारत में व्यापार करने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और इसी मेहनत के बल पर भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है और अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 142 नंबर पर था, और ये मोदी का ही कमाल था कि साल 2017 में भारत 100वें पायदान पर पहुंच गया, और अब 2018 में भारत 77वें पायदान पर पहुंचा है। वहीं जारी इस रैंकिंग में केंद्र सरकार खुश है और कहना है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 50 पायदान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हर साल विश्व बैंक व्यापार के लिहाज से दुनिया के सभी देशों की एक लिस्ट निकलती है। ये रैंकिंग अलग अलग कैटेगरी में देखे जाते हैं, और सभी पैरामीटर्स को मिलाकर ये देखा जाता है कि व्यापार करने में लोगों को कितनी आसानी है, और ये भी देखा जाता है कि कारोबार करने में किस प्रकार की मुश्किलें आती हैं, और इन्हीं सब कारणों के बाद रैंकिंग जारी होती है, जिससे पता चलता है कि कौन सा देश कहां पर है। विश्व बैंक की जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग से ये बात तो दावे के साथ कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत का ही नतीजा है कि भारत इस रैंकिंग में इतना बेहतरीन कमाल दिखा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत, व्यापार के लिए माहौल बनाने की वजह और लाल फीताशाही पर लगाम लगाने की वजह से दुनिया भर के बिजनेसमैन भारत में व्यापार करने के लिए नजदीक आए हैं।